अरे तो दे तुम मुला हो यार। बढ़िया ये गेंद आमिर मेमन लेफ्ट हैंडेड बॉलर काफी अच्छा ओवर किया था उन्होंने अपने पहले मैच में बढ़िया विकेट चटकाए थे काफी अच्छा इनका बॉलिंग स्टाइल बढ़िया बैलेंस रन अप बढ़िया गेंद पूरी तरह बीट किया भरत पवार को एक मिनट अंपायर दो मिनट मैच करोगे अंपायर अच्छी गेंद वहां पे अच्छी वापसी आमिर की वैभव बढ़िया ये शॉट फुल टॉस गेम था बहुत अच्छी रनिंग वहां पे बढ़िया रनिंग आमिर मेमन जो कि ऑलराउंडर के रूप में खेले जाते हैं गैलेक्सी अमरावती की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने पहले मैच में और नामी गिरामी लोग कमेंट्री बॉक्स में यहाँ मौजूद पांच बॉल साबिर भाई प्रेशिया एएसएन
बैक साइड से कमेंट कर दो। बढ़िया ये शॉट, हल्का सा मौका था वहां पे कैच का, चार रन। और पावर प्ले का ये पहला ओवर समाप्त, आठ रन। पहला है ना बैटिंग, पहला बैटिंग है, ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है एकदम। देखो वो भी बहुत हुआ है, हां मेरा मेरा पाए में दर्द को नहीं रे, आठ ओवर के है ना, आठ ओवर के ही है, नहीं सर एक घंटा जाता ना ये भी हो सकता है अकेला बैठे करके। हमारे कुछ पुराने रिटायर्ड प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, पहले गेम भी रिटायरमेंट जैसा ही था, जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ा। आतिफ ये था क्या मैन ऑफ द मैच, नहीं यासिर था, आतिफ आतिफ काफी लंबा इनका रन ऑफ है, काफी अच्छी तेज गेम ये करते हैं, पिछले मैच में चार विकेट चटकाए थे इन्होंने। भरत पवार जो कि काफी बढ़िया ऑलराउंडर, दो रन का यहां पे डिमांड, बढ़िया रनिंग दोनों भी बैट्समैन के बीच में, काफी अच्छा संतुलन, काफी अच्छा डिसीजन। काफी बड़ा ये मुकाबला गैलेक्सी अमरावती वर्सेस फ्रेंड्स इलेवन के बीच में, अच्छा ये शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, उतनी अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, और इसी तरह की फील्डिंग की जरूरत गैलेक्सी अमरावती को। वैभव जो कि काफी एक्सपीरियंस बैट्समैन है, बड़े शॉट लगाने के लिए माहिर, पावर प्ले स्पेशलिस्ट। बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट और बढ़िया फील्डिंग भी वहां पे। और हवा में गेंद पर कोई मौका नहीं वहां पे, भरत पवार जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी शॉट खेलना चाह रहे हैं लेकिन उस तरह से गेंद बैट पे नहीं आ रही, और अच्छी बॉलिंग वहां पे आतिफ की, बढ़िया कंपटीशन वहां पे आतिफ वर्सेस वैभव, दोनों ही काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बढ़िया गेंद लेकिन कट कर दिया उसे, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे, गैप निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, वरना चार रन होते वहां पे। काफी सूझबूझ भरी और समझदारी वाली बॉलिंग करते हुए आतिफ, बड़ा ये शॉट, कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर को, देखने अंपायर का इशारा क्या होगा यहां पे, चार रन। बहुत बढ़िया ये शॉट भरत पवार की बैट से, इसी तरह की शॉट के लिए जाने जाते हैं। 18 रन ना, दो और 18 रन। पावर प्ले का ये दो ओवर समाप्त हुआ,
और 18 रन, काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे पावर प्ले में फ्रेंड्स 11 का। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर खेल रहे हैं। काफी अच्छा ये लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन। बढ़िया शॉट, उतना ही अच्छा फील्डिंग वहां पे, कोई मौका नहीं दो रन के लिए। अच्छी गेंद करते हुए शोएब, ज्यादा मौका नहीं दे रहे वैभव को बड़े शॉट खेलने का। बढ़िया ये शॉट वहां पे भरत का, बट फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छा ओवर ये जाते हुए शोएब का अभी तक। गेंद और उसको कन्वर्ट किया 6 रन में, बहुत ही बढ़िया ये शॉट। पूरा फायदा उठाया जैसे ही देखा फुल टॉस गेंद है, और इसी शॉट के लिए जाने जाती है वैभव। और सिंगल वहां पे, काफी अच्छी समझदारी बैटिंग करते हुए वैभव। और बढ़िया यहाँ पे पहला झटका फ्रेंड्स 11 को भरत पवार के रूप में। अच्छी वापसी वहां पे शोएब की, अभी तक काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज।
और पहला विकेट यहाँ पे भरत पवार के रूप में, काफी अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टार्ट दिया टीम को और तीन ओवर के बाद 29 रन, तीन ओवर 29 रन 29। बैट्समैन नेम प्लीज, टीम फ्रेंड्स एनीवन से रिक्वेस्ट है कि उनका एक प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। भरत पवार रत्वे कर रहा भाई, वो एक प्लेयर उधर भेज दो कमेंट्री बॉक्स में। गणेश पाटिल खौफ, काफी खौफ है गणेश पाटिल का। पहला बॉल आ रहा है, नहीं काफी अच्छा शॉट वहां पर वैभव का और ये चार रन। आमिर की पहली गेंद पर काफी अच्छा शॉट खेल दिया वैभव ने। वैभव एमपीसीएल सीजन टू का चलता हुआ ये आज का चौथा मैच, गैलेक्सी अमरावती वर्सेस फ्रेंड्स इलेवन अकोला। काफी सुंदर गेंद आमिर की, समझ नहीं सके बैट्समैन बीट हुए। लाखों की तादाद में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। बसुन जा भाऊ काई सर चेन्नई, काफी सुंदर ये नजारा। एमपीसीएल सीजन टू काफी अच्छी शॉट वालों को देखने क्या होता है। बहुत अच्छी बिल्डिंग वहां पर आतिफ द्वारा, दो रन इनिंग नहीं रोक पाए और गणेश पाटिल का खौफ वहां पर करार, घर 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 घूम रहे वहां पर स्टंप के आसपास। और टीम फ्रेंड्स इलेवन के प्लेयर अपने टीम को चीयर करते हुए, और काफी सुंदर गेम, काफी सुंदर गेम बीट हुए बैट्समैन, बड़ा शॉट मारना चाहती थी। हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स काफी सुंदर गेम बीट हुआ बैट्समैन, कीपिंग अ चांस डॉट गेम। हमारे इस एमपीसी सीजन टू के स्पॉन्सर क्विकवेल फार्मा,
इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 36 रन फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। हमारे इस एमपीसीएस सीजन 2 के स्पॉन्सर्स क्विकवेल फार्मा, टीम ऑफ स्किल केतन भाव, बरार फार्मास्यूटिकल्स, जीआर हॉस्पिटल्स, विदर्भ प्राइवेट लिमिटेड, एडवोकेट एडवोकेट इलिया शेखानी, एडवोकेट परवेज मुजाहिद। 36 तीन चार ओवर 36 रन। कान के पर्दे फट जाएंगे। परछाई लंबी होती हुई बॉलर नेम प्लीज आमिर आगे सरनेम नहीं आगे आमिर मेमन। ओके आमिर मेमन आया है टीम की ओर से, टीम गैलेक्सी अमरावती की ओर से अगला ओवर लेकर। पहले ना MBCL सीजन 2 काफी सुंदर गेम, देखने हैं क्या होता है। और काफी सुंदर फील्डिंग वहां पर आतिफ द्वारा, शानदार फील्डिंग का नजारा यहां पर देखने को मिला है आतिफ द्वारा। दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से ये चौका हो सकता था, बाउंड्री मिल सकती थी टीम फ्रेंड्स 11 को। उठा के खेलना चाह और ये देखना है क्या होता है। और ये विकेट, काफी बड़ा विकेट, काफी अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे वैभव, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी यहां पर आमिर मीमन द्वारा। कीपर का नाम क्या है? फैसल अंसारी, हमारे और आप सबके और हम सबके लोकप्रिय विकेट कीपर फैसल अंसारी। अमरावती की आन दान और शान हमारे फैसल अंसारी, काफी अच्छे कैच पकड़े उन्होंने, टीम के कैप्टन भी है। नेक्स्ट बैट्समैन कुमार, पीपीएल सीजन 2 में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था कुमार का, देखना है इस टूर्नामेंट एमपीसीएल सीजन 2 में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अभी तक काफी अच्छा खेली है टीम फ्रेंड्स 11 और टीम गैलेक्सी अमरावती, दोनों ही टीमें, मैच बराबरी का चलता हुआ। आपको बताता चलो कि एमपीसीएल सीजन 2 का चलता हुआ यह चौथा मैच, पहला मैच आईएमए अकोला वर्सेस फार्मा किंग्स के बीच हुआ था जिसमें आईएमए ने जीत हासिल की थी। मिडिल विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, बीट हुए बैट्समैन, काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर। सुंदर गेंदबाजी का नजारा यहां पर आमिर मेमन द्वारा। बीट हुए बैट्समैन, काफी शानदार गेंदबाजी।
नहीं उनको लाइक शेयरिंग करते हैं यार ना आधार वाले दिख रहे हैं आधार तो भी राउंड शेयरिंग करते ना आधार वाले नहीं ये भी कर रहे थे ना बोलते थे और ओ डॉट बॉल बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और गणेश पाटिल के हाथ आखिरकार स्ट्राइक काफी खौफ है इनका गणेश पाटिल का ओके ओके एक बॉल बाकी है एक बॉल बाकी है भाई काफी अनुभवी अंपायर हमारे दोनों ही मन्नू भाई और हमारे अंजार कप्तान किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर काफी लोकप्रिय है और एक डॉट बॉल काफी सुंदर यहां पे बॉलिंग का नजारा आमिर मेमन द्वारा लगभग 4 से 5 बॉल डॉट करवाए बैट्समैन कुमार को और अब बॉल का बॉक्स हमें एक रेडी रखना पड़ेगा गणेश पाटिल आ चुके स्ट्राइक पर फ्लाई ओवर के ऊपर में बॉल जा सकता है तो शाकिर भांजे से रिक्वेस्ट है कि वो फ्लाई ओवर के पास ही रुके गणेश पाटिल के बॉल ओवर आने वाले हैं 38 रन केवल 2 रन आए इस ओवर से 5 ओवर 38 रन गेंदबाजी लेकर आए हैं आमिर खान काफी अच्छे ऑलराउंडर टीम गैलेक्सी अमरावती के 2 रन आए हैं आमिर मेमन की इसकी पहली के ओवर से काफी अच्छी गेंदबाजी की आमिर मेमन ने एक बड़ा विकेट भी चटकाया वैभव के रूप में और डॉट बॉल करवाए और गणेश पाटिल का खौफ अपनी विकेट की दिशा में खेल दिया केवल एक रन वैसे तो उनका जब से उन्होंने स्ट्राइक पिया तभी से खौफ था गणेश पाटिल एक बार बैट बताते गणेश पाटिल कमेंट्री बॉक्स में थैंक यू ओके काफी लोकप्रिय हमारे मित्र गणेश पाटिल काफी देर से प्रयास कर रहे हैं कुमार बड़ी शॉट खेलने का लेकिन लगातार बीट हो रहे हैं समझ नहीं आ रही है गेंदबाजी उल्टा बाहर आ जा कुमार के लिए और बड़ा शॉट खेलने के बाद और बीट हुए बैट्समैन काफी उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों दोनों ही टीम के दर्शक काफी उत्साहित और हमारे शाकिर भांजा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए गणेश पाटिल अपने नॉन स्ट्राइकर फ्रेंड्स को समझाते हुए कि खौफ होता है बोलो जुबा केसरी और इसी के साथ ये आउट गणेश पाटिल की आउट हुआ ये समझ नहीं आया वाइड गेंद और ये रन आउट का विकेट काफी शानदार यहाँ पर गेंदबाजी का ईश्वर जो कि पिछले सीजन में हमारे कैप्टन रह चुके हैं काफी कोल कैप्टनसी अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम आगे नहीं पहुंच पाई लेकिन काफी धुआंधार बैटिंग की थी वहां पर ईश्वर ने 110 मीटर की बाउंड्री पर सिक्स लगाया था
दोस्तों आपको बताता चलूं, टीम में 4 सिक्स लगी थी बड़ी मुश्किल से वहां पर, जिसमें एक सिक्स हमारे कैप्टन ईश्वर का भी था। तीन बॉल हुए हैं, गणेश पाटिल लोग अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खौफ बरकरार था। ईश्वर काफी खूंखार बैट्समैन, और खेल गया है, बहुत ही सुंदर शॉट, देखने में क्या होता है। और ये काफी अच्छी फील्डिंग, थोड़ा फंबलिंग हुई, इसी के साथ एक रन की बजाय 2 रन मिले टीम फ्रेंड्स 11 को। ये शॉट खेला गया था डी मिड विकेट, उसके लेग के बीच में खेला गया था, काफी सुंदर शॉट वहां पर ईश्वर का, और उतनी अच्छी फील्डिंग, फिर बंबल हुए और 2 रन, एक रन से रन आ रहे हैं, एक रन से बॉल डॉट हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कड़ी धूप में मेहनत करते हुए हमारे दोनों ही अंपायर मुन्नो भाई और अंजार कप्तान, उतनी ही कड़ी मेहनत करते हुए हमारे कैमरामैन बशीर भाई, हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर अकमल भाई, उनके पार्टनर अनुवेड क्लीन डेड, काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर आमिर द्वारा, ओवर की समाप्ति। अगले बैट्समैन है महेश रत्वेकर, महेश रत्वेकर अगले बैट्समैन। दोनों ही बैट्समैन बाहर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ, दोनों ही बैट्समैन कुमार रिटायर्ड हुए हैं और अगले बैट्समैन गए हैं छह ओवर 44 रन। यहाँ पे पब्लिक मौजूद, 27,000 ऑनलाइन व्यूअर्स, चिकागो से, श्रीलंका से, चाइना से हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन देख रहे हैं। अंपायर भी हमने बाहर से बुलाया, इंटरनेशनल अंपायर, कल वर्ल्ड कप के मैच में अंपायरिंग करेंगे ये दोनों भी अंपायर हमारे। अक्षय गौरी 2 रन लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा तेज तर्रार थ्रो वहां पर। काफी बिजी प्लेयर है ये अक्षय गौरी, महेश रत्नकर जो के फ्रेंड्स इलेवन टीम के कप्तान, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कट लगा, किस्मत अच्छी, सात ओवर का यह खेल जारी, 8 ओवर का यह मैच, आखिरी ये 2 ओवर का ये मैच देखने हैं फ्रेंड्स लेवर कितने रन। और ये ओवर थ्रो के रन हो सकते हैं यहाँ पे, खराब थ्रो, बैकअप के लिए कोई मौजूद नहीं वहां पर,
और एक रन को दो रन में कन्वर्ट किया, काफी अच्छी रनिंग वहां पर अक्षय और महेश के बीच में। अच्छा ये शॉट वहां पे अक्षय का, हवा में गेंद, देखना है अंपायर का इशारा, चार रन, कोई मौका नहीं था वहां फील्डर को, शॉर्ट पिच गेम था, पहले ही पल लिया अक्षय ने और काफी अच्छा ये शॉट। और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो गए यहां पे, 52 52 रन हो चुके हैं टीम के। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह बीट की, अच्छी वापसी वहां पे आतिफ की। महेश जो कि टीम के कप्तान है कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं अक्षय से, वो चाहते हैं कि ये बची हुई गेंद है वही दोनों खेले। और लेग स्टंप पे गेंद थी ये और अंपायर का इशारा 22 के रन रहेगा, ये लेग बाय का रन, सॉरी सात ओवर 53 रन, सात ओवर के बाद 53। इस इनिंग का आखिरी ओवर आठवां ओवर, रन तो अच्छे हो यार इनके, बॉलिंग अच्छी डाले तो ठीक है, रन अच्छे है, 60 प्लस रन अच्छे है। कल ही बोल रहा हूं, कल रात से बोल रहा हूं, अमरावती ने 52 तो बनाए, 54 रन बनाए थे फिर। ओ वैभव का नाम आया था किसमें? वैभव बैटमैन जो उड़ गया था, क्या नाम आया था? पूरा नाम लिख लो क्या है आधार की पहली बैटिंग। हां पहले, हां पहले होगी थी बराबर, उन्होंने बनाया और 60 ओवर में बनाए इन्होंने आखिरी बोल मारी। सात ओवर 53 रन, 53 शोएब, शोएब लेफ्ट हैंडेड अख्तर, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, एक रन मिलेगा आखिरी ओवर, आखिरी ओवर की लास्ट 5 गेंदें आना बाकी। कप्तान महेश रत्वेकर पिच पे मौजूद, काफी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह बीट किया। एक टूर्नामेंट में ब्रांड बन गया था बोले ना, जावेद बाबुल डाला। और काफी ऑस्टम के बाहर ये गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट और ये एक्स्ट्रा का एक रन मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 11 को। नहीं ब्रेक ले ली थी 15 मिनट मैच के बाद, बॉल छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बड़ा शॉट खेलने का, क्या दो रन ले पाएंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा थ्रो, लेकिन उससे भी अच्छी दोनों की रनिंग, एक रन को दो रन में कन्वर्ट किया है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। आखिरी 3 गेम में इस इनिंग की 57 रन, तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई,
बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह बीट। नहीं नहीं उसने मारा था। आखिरी दो गेंदे इस इनिंग की, इस ओवर की, शोएब और अंपायर का इशारा वाइड। ऑस्टम के काफी बाहर गेम थी, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे अक्षय। और बढ़ता हुआ स्कोर यहां पे 59। आखिरी दो गेंदे और मिसफील्ड यहां पर। बढ़िया रनिंग वहां पे, ये रन तो जैसे चुरा लिया उन्होंने। दो रन थे, तीन रन में हो गए। बढ़िया रनिंग वहां पे, जबरदस्त। और लास्ट गेम यहां पर 62। फुल टॉस ले गेम हवा में, बढ़िया ये कैच, बहुत बढ़िया ये कैच, बढ़िया जजमेंट। और 8 ओवर यहां पे समाप्त हुए, 62 रन बनाए फ्रेंड्स 11 में, 63 का टारगेट गैलेक्सी अमरावती के लिए। 48 गेंदे 63 रन, अगर गैलेक्सी को ये मैच जीतना है।
महेश रत्वेकर जल्द से जल्द अपनी टीम को फील्डिंग के लिए तैयार करें। अमरावती टीम अपने ओपनर बल्लेबाज भेजें। महेश महेश रत्वेकर फ्रेंड्स इलेवन के कप्तान जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाए। इसके बाद ऑलरेडी दो मैच यहां और खेले जाने हैं। भेज दो ना ओपनर, उनके पे भी प्रेशर बनता ना और के आगे करके। और गैलेक्सी अमरावती के दोनों ही बल्लेबाज यहाँ ग्राउंड में मौजूद। राज कौन है? शहबाज 33, राज 22। क्या हो गया राज? बोतल यार, इशारे ऐसे बोतल इशारे, ऐसे अच्छे इशारे करो यार तुम। अरे राज का भी यार सामने हट जाए, पूरा कमेंट्री बॉक्स कुछ नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। और अंपायर ये जल्द से जल्द मैच चालू करे। अंपायर समीर, अरे बाप प्रैक्टिस में बहुत खेलता था, बॉलिंग डालता था कचरा की लगान में, खतरनाक एकदम। हाँ मेन प्लेयर थे ना दबंग के, ये जब तक नाम दबंग था ये मेन थे, वो इमरान अपने भाई मिर्जा भाई अंबर प्लीज आउट दीजिए ना भाई। भाई आप कैसा कर रहे हो? कौन कौन? इमरान कोता ब्रा हाँ, अरे हाँ भैया मुझे ओवर दे अजय और एक लो ना, आ जाओ फिर तुम, यहाँ आ जाओ ना तो फिर। अरे ले आओ ना, बैठो बैठो बैठो, दोनों उधर ही आओ ना तुम, हेलो।
एमपीसीएल सीजन टू का ये इस दिन का चौथा मैच होता हुआ। गैलेक्सी अकोला की तरफ से मैं सभी आए हुए खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। अच्छा स्कोर 62 रन्स का फ्रेंड्स 11 का गैलेक्सी अमरावती के लिए। अच्छी गेम पहली। अंपायर से गुजारिश है कि दोनों कैप्टन को बोलो जल्दी जल्दी फील्ड सजाए। जो भी डिसीजन लेना है जल्दी ले कप्तान। ऑफसाइड के बाहर गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ऑफसाइड की दिशा में गेंद करना चाहते थे राहुल बाबू रावणकर। और कमेंट्री बॉक्स में अच्छा शॉट हवा में गेंद खिलाड़ी उसके नीचे और कैच छूट गया यहाँ पे। अच्छा कैच हो सकता था ये लेकिन मिस कर दिया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे राहुल द्वारा लेकिन खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। कैच हो सकता था इजी कैच और छोड़ दिया। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त जुबेर भाई स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे अभी एटमॉस्फेयर और टूर्नामेंट के बारे में? बढ़िया ये टूर्नामेंट अब तक काफी अच्छे मुकाबले यहाँ देखने को मिले लेकिन उन सब में अच्छा मुकाबला मुझे लगता है आज ये मैच होगा। बढ़िया ये शॉट कोई मौका नहीं है वहां पे फील्डर को। और हमारे कैमरामैन यहाँ पे मुदस्सिर भाई अकमल भाई जो यूट्यूब ऑनलाइन का धार संभाले हुए हैं। रॉन्ग कमेंट मत करो तुम तुम्हारे पीर को शेयर कर सकते हो। रॉन्ग कमेंट मत करो प्लीज यार कैसा है हमारा थोड़ा टूर्नामेंट का वादा हो जाएगा अभी। बहुत बढ़िया ये शॉट कोई मौका नहीं है वहां पे फील्डर को। बहुत ही टाइमिंग इस शॉट में पावरफुल ये शॉट चार रन बैक टू बैक बाउंड्री। ये कैच छूटने के बाद दो बाउंड्री जले पे नमक जैसी चीज होती है। और यहाँ पे काफी भारी अपील और यहाँ पे विकेट। अंपायर आप सब प्लेयर्स से रिक्वेस्ट करेंगे पीच पे ना भागे। बैट्समैन फील्डर सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। यासिर अगले बल्लेबाज जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर। और बॉल कितने के बॉल? पांच बॉल है। पांच पांच बॉल हो गए सर। एमपीसीएल का ये दूसरे सीजन पहला काफी सक्सेसफुल और ये दूसरे सीजन के चार दिन के ये मैचेस पहले लीग मैचेस के बाद क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल्स चार दिन चले गए। 12 तारीख 13 तारीख 19 और 20 नवंबर। अच्छी कमबैक वहां पे राहुल बाबू द्वारा दो चौके खाने के बाद विकेट का पतन गैलेक्सी अमरावती के लिए। फिर से राहुल रावणकर अपना साइड चेंज करते हुए एंगल बनाते हुए अगली गेंद राहुल की। अच्छी गेंद वहां पे
अच्छा सिंगल के साथ यासिर ने स्ट्राइक रोटेट। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन पे गैलेक्सी अमरावती का स्कोर। एक और 12 रन गैलेक्सी अमरावती का स्कोर। अगली ओवर अक्षय गौड़ी लेके आती है, सामना करेंगे यासिर। एक रन पे खेलते हुए अक्षय, अक्षय गौड़ी, अक्षय गौड़ी बॉलर। ओवर छह ओवर हो गए ना, छह बॉल हो गए पूरे। बैठ जा बोलते तुम, एक एक्स्ट्रा टी शर्ट है ना। अच्छा शॉट वहां पे प्लेयर के साथ खेल सफल होके ये चौका मारा। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा गैलेक्सी अमरावती द्वारा। फुल टॉस गेंद ऑफ लेग स्टंप के बाहर, उसे अपर कट सॉरी पल्लू शॉट स्कूप शॉट खेला चार रन के लिए। हमारे साथी कमेंटेटर जुबेर भाई कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। नहीं, इट्स अ टैलेंट कमेंट्री। फिर से खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद वहां पे यॉर्कर लेंथ, अच्छी कमबैक वहां पे अक्षय द्वारा। पहला चौका देने के बाद अच्छी गेंद व गेंदबाजी वहां पे, अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग का। फिर से सेम शॉट खेलने पल्लू शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे सुधीर द्वारा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, अच्छी गेंदबाजी। फ्रेंड्स फार्मा के लिए गेंदबाजी अच्छी होना जरूरी और साथ ही फील्डिंग का भी मुजारा अच्छा करना चाहिए। जो हाफ चांसेस है, जो चांसेस है कैचेस के, उसको भी लेना जरूरी। फिर से फुल टॉस, हवा में गेंद और ये कैच हो सकता था। हाफ चांस, अच्छी फील्डिंग वहां पे एक ही द्वारा और अच्छा रनआउट हो सकता है यहाँ पे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अपील की लेकिन नकारा अंपायर ने, काफी अनुभवी अंपायर। फिर से अक्षय गौड़ी अपनी बॉलिंग एंट्री तैयार। ऑफ साइड की बार से मिडऑन की तरफ सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते गैलेक्सी अमरावती के प्लेयर्स। पावर प्ले का फायदा कर लेते हुए पूरी तरह से। और ओवर की समाप्ति यहां पर। अरे ये एक्स्ट्रा रन भी ले सकते थे वहां पे प्लेयर। दो ओवर 20 रन, दो ओवर के बाद यहां पे 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर 20 रन हो चुके हैं।
20 रन। गैलेक्सी अमरावती काफी अच्छा स्टार्ट यहां पे पहले पावर प्ले में, 2 ओवर 20 रन, 1 विकेट। अगले 6 ओवर में 43 रन इनका चाहिए 6 ओवर में अगर इस मैच को जीतना है, इस टारगेट को चेस करना है तो 36 गेंदों में 43 रन। 43 अक्षय नहीं थोड़ा सर अंपायर ये मैच को बीच में ना रोके, इसके बाद और 2 मैच खेले जाने बाकी है। बड़ा ये शॉट और 6 रन यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही पावरफुल ये शॉट, कोई मौका नहीं है वहां पे फील्डर को, बढ़िया रन आ चुकी है पहली गेंद पे 6 रन, काफी अच्छा ये शॉट, जितनी बार इस शॉट को देखेंगे उतना मजा आएगा, बढ़िया ये शॉट। वैभव जो कि अपना पहला ओवर करे रही है, वाइड गेंद, बैटिंग काफी अच्छी की थी वैभव ने, देखना बॉलिंग में क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स इलेवन के लिए। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पे, अच्छी वापसी वहां पे वैभव की, पूरी तरह बीट किया, अच्छे तंदुरुस्त फील्डर वहां पे ईश्वर, ईश्वर जो के फिटनेस के लिए आइकॉन है सभी प्लेयर्स के लिए। फिर से ये आगे निकल के बढ़िया ये शॉट, कोई मौका नहीं यहां पे फील्डर को, 4 रन, काफी धुआंधार बल्लेबाजी यहां पे, कोई मौका नहीं फील्डर को इस बॉल को रोकने के लिए, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहां पे, काफी इंटरटेनिंग बैटिंग। अच्छा शॉट, ऑस्टन के बाहर था गेंद, बढ़िया शॉट, गैप में खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे विक्रम भाव, बढ़िया फील्डिंग अपने टीम के लिए, 2 रन बचाए विक्रम भाव ने, अच्छा गैप में खेला हुआ ये शॉट, काफी महंगा और अभी तक ये साबित होते हुए वैभव का, जितने रन इन्होंने बैट से बनाए थे उतने ही रन बॉलिंग में जा रहे हैं। बढ़िया शॉट, कोई फील्डर को मौका तो नहीं है वहां पे, बाउंड्री लाइन पे अच्छी फील्डिंग, अच्छा कवर वहां पे, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन थे वरना 1 रन में कन्वर्ट किया, अच्छी फील्डिंग से अच्छी वापसी वहां पे वैभव की, बॉल बॉल कितने हैं दानिश, 5 बॉल, हम बॉल बहुत बोल रहे हैं लेकिन हाँ ना बहुत 3-4 बार। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पे, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पे, बढ़िया वापसी वैभव की और बीट किया पूरी तरह, रन
कितने में? 34। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन एक विकेट के नुकसान पे गैलेक्सी अमरावती के लिए। 30 बॉल 30 रन की दरकार इस मैच में गैलेक्सी अमरावती के लिए। और अगर उनको वापसी करना है फ्रेंड्स 11 को तो विकेट चटकाना जरूरी इस मैच में बनाना है तो। अच्छी गेंदबाजी करना जरूरी। 30 गेंदे 30 रन गैलेक्सी अमरावती की टीम के लिए। कहते हैं क्रिकेट इज अनिश्चितताओं का गेम। विकेट की दरकार फ्रेंड्स 11 के लिए। अक्षय गौड़ी बॉलिंग मार्च पे। अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग वहां पे कप्तान द्वारा निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग महेश द्वारा। यॉर्कर लेंथ अच्छा ग्लांस करके मिड विकेट की दिशा में। अच्छी बैटिंग करते हुए अकीब। फिर से उठा के मार दिया। ओ अच्छी फील्डिंग वहां पे वैभव द्वारा। मैदान की मुदाफ की दिशा में उठा के खेल लिया था अकीब ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक गैलेक्सी अमरावती के लिए। उतनी अच्छी गेंदबाजी अक्षय द्वारा। सिंगल के साथ यासीर स्ट्राइक रोटेट करते हुए गैलेक्सी अपनी टीम के लिए। तीन गेंदे अच्छा शॉट वहां पे रिवा स्वीप और 4 रन के इशारा वहां पे अंपायर द्वारा। अच्छा रिवर्स स्वीप यही चीज करना चाहते थे अक्षय गौड़ी अपनी बैटिंग में रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बॉलिंग में रिवर्स गया। अच्छी बल्लेबाजी अकीब भाई द्वारा रिवर्स स्वीप पे 4 रन के लिए खेल लिया है। मैच में बनना है तो अच्छी गेंदबाजी जरूरी फ्रेंड्स 11 को। फिर से फुल टॉस गेंद फिर से 4 रन वही चीज दोहराई जो अक्षय गौली करना चाहते थे रिवर्स पे रिवर्स लेकिन कनेक्शन अच्छा है इस बार। अक्षय गौली का कनेक्शन नहीं हुआ लेकिन अपोजिशन का अच्छा कनेक्शन रिवर्स में। क्या कहना चाहेंगे रिवर्स के बारे में? शहबाज जो बैटिंग कर रहा था काफी अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पे शहबाज जैसे मैच का रुख चेंज कर दिया। रिवर्स स्वीप में कंटिन्यू 2 बाउंड्री। अच्छी वापसी वहां पे अक्षय गौड़ी जी। और बॉलिंग करते वक्त ओवर समाप्त नहीं यहाँ पर रन रन 47 चार ओवर
चार ओवर के बाद 47 रन 47। अगले चार ओवर में 15 रन चाहिए गैलेक्सी अमरावती को। शहबाज ने काफी आसान सा मैच कर दिया ये अमरावती के लिए, काफी अच्छा ये मैच चल रहा था इस ओवर के पहले, लेकिन बढ़िया बैटिंग, काफी अच्छे शॉट। अगर फ्रेंड्स 11 को यह मैच बचाना है तो बैक टू बैक विकेट लेना होगा। कोई तो एक बॉलर ऐसा उभर के आए जो दो बॉल में दो विकेट चटकाए तो मैच में कुछ मजा आ सकता है यहां से। शॉर्ट पिच अगेन, अच्छी फील्डिंग वहां पे, बढ़िया शॉट था गैप में, लेकिन दो रन से नहीं रोक पाएंगे। एक ही रन, सॉरी, अच्छा शॉट, उतना ही अच्छा फील्डिंग वहां पे। शहबाज का जो कैच छूटा था और अंपायर का इशारा वाइड, यहां पे वो कैच का खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है फ्रेंड्स 11 को, बहुत भारी पड़ रहा है वो कैच। वो कैच के बाद उन्होंने अपना गियर चेंज कर दिया, 30 रन बना चुके हैं अभी तक शहबाज। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, छोटा गेंद और काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं बैट्समैन, सिंगल रन से ही संतुष्ट। और 50 रन पूरे यहां पे टीम के, 13 रन चाहिए यहां पे, 50 रन हो चुके हैं। और ऑस्टन के बाहर पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे, लेकिन मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि काफी रिलैक्स खेल रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, कोई गड़बड़ाहट नहीं, दो रन लेने की कोई जरूरत नहीं जब गेंद बैट से आ रही है। और बढ़िया वापसी यहां पे, जबरदस्त, इसी की बात कर रहे थे हम, विकेट चाहिए और हरीश ने वो विकेट दिलाया अपने टीम के लिए। उधर चला लो, बोले तुम चार ओवर चार गेम हो चुकी है, 51 रन। बल्लेबाज कौन है, बैट्समैन नेम क्या है, नेक्स्ट मुजाहिद, मुजाहिद सामना करेंगे हरीश का। अगर हरीश ऐसी विकेट एक दो और चटकाते अपनी टीम के लिए तो मैच चेंज हो सकता है। अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी,
51 है ना, 11 थोड़ी हो रहा है, 12 होना। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी वहां पे हरीश की। क्या ये मैच कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है? 12 रन चाहिए अभी भी। पांच ओवर 51 रन, 18 गेंदों में 12 रन की दरकार, 3 ओवर 12 रन चाहिए। एक डब्बा पूरा भरा हुआ था, एक ये है क्या भरा हुआ, चेक कर देखिए। साथ में लाना पड़ता है, वैसे मेरे को लग रहा था बाद में आ जाएंगे। अभी रोशन गांग को फोन करो ना। आए नहीं, नहीं अभी आए तो नहीं खेले, राहुल रावणकर जो कि अपना दूसरा ओवर करेंगे। अच्छा शॉट वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे वैभव की, बट उससे भी अच्छी रनिंग वहां पे, दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, बढ़िया रनिंग। अगर ये मैच फ्रेंड्स इलेवन को जीतना है तो बैक टू बैक विकेट लेना होगा। बड़ा शॉट खेलने का वहां प्रयास, फील्डर मौजूद है पीछे, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे। अच्छी गेंद, थोड़ा पेस में वेरिएशन कर रहे हैं यहाँ राहुल रावणकर, कुछ गेंदें तेज जा रही है वहीं पे, कुछ गेंदें स्लोअर हमें देखने मिल रही है। ये बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। रनआउट का ये चांस होता अगर गेंद हाथ में आ जाती हरीश के, एक मौका जरूर था वहां। और 55 रन हो चुके हैं, बढ़िया ये शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। शहबाज जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, खुद के 30 के ऊपर हुए ना, वाह क्या शॉट है ये, सभी दर्शकों को तो एंजॉय करवा रहे हैं और खुद भी एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग। ओ कलाम सेठ, छह ओवर 58, 58 रन, और अभी तक सिर्फ दो विकेट ले पाई है फ्रेंड्स इलेवन। 6 ओवर 58 रन, दो ओवर में 5 रन चाहिए, 12 गेंदे 6 रन,
पांच रन चाहिए यहाँ पे। बारह गेंदे पांच रन और महेश रत्नेकर टीम के कप्तान, क्या ये कप्तान अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? और ये वाइट गेंद ये टीम को तो जिताएंगे पर अपनी टीम को जिताएंगे या सामने वाली टीम को जिताएंगे ये देखना होगा इस ओवर में। मैं जरूर जिताएंगे। और बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे, क्लीन बॉल लिया, बढ़िया वापसी वहां पे कप्तान महेश रत्नेकर द्वारा। क्या रिटायर कर दिया क्या? बोल्ड हो गया। और शहबाज जो कि लग रहा था नट आउट आए हैं, ये महेश रत्नेकर ने पहले ओवर क्यों नहीं डाला? अगर वो ये विकेट चटका पाते पहले ओवर लेके तो मैच का मजा कुछ और होता अभी। काफी एक्सपीरियंस सीनियर बॉलर ऑलराउंडर फिर से ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास वहां पर। सोहेल जो कि नए बल्लेबाज उतरे फुल टॉस ये गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पे पीछे वैभव, सिर्फ एक रन मिलेगा। अब दो रन चाहिए यहां जीतने के लिए। मारता है बड़ा शॉट और सोहेल सामना करेंगे महेश का। महेश जो कि सिंगल रोकना चाहेंगे फील्डिंग चेंज करते हुए, क्या ये दो रन रोक पाएंगे टीम फ्रेंड्स इलेवन? बड़ा ये शॉट, छह रन। मैंने कहा था ये कप्तान मैच जरूर जिताएंगे पर कौन सी टीम को जिताएंगे? वो था अमरावती का टीम, अमरावती गैलेक्सी, जिसको जीता